हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, माय नेम इज शांभवी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टडी कर रहे थे फ्रॉम क्लास 6 पॉलिटिक्स, और ये बुक हम लोग रेफर कर रहे थे एनसीईआरटी, राइट। तो चैप्टर का नेम था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता और भेदभाव, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का पूरा मतलब नाम था। अब फर्दर हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी प्रेजुडाइज के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंसेस और प्रेजुडाइज, ये जो दो टर्म्स थे हमने इसको डिटेल में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, राइट। प्रेजुडाइज मतलब कि आप किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात को लेके आप उस पर्सन को नेगेटिवली जज करने लग जाते हो हमेशा के लिए, सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेजुडाइज, राइट। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे इन द लास्ट वीडियो। फर्दर मैं आज यहाँ पे न्यू टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज क्रिएटिंग द स्टीरियोटाइप्स। ओके, स्टीरियोटाइप्स मतलब कि ये होता है, जैसे कि मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पहले के टाइम पे क्या होता था, जनरली पहले के टाइम पे ये होता था कि जो गर्ल्स मतलब जैसे गर्ल्स अगर बॉर्न होती थी, ठीक है, तो लोग कहते थे नहीं गर्ल्स नहीं बॉयज़ ही चाहिए हमको। ऐसे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स पहले के टाइम पे होते थे, राइट। जैसे कि फीमेल फीटिसाइड, ये एक टर्म है जिसमें कि जब बेबी बहुत छोटा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज फीटस, राइट। तो उसको वो लोग वहीं पे उसको मार देते थे अगर ये पता चल जाता था कि दैट इज़ अ गर्ल, या फिर उसको कहीं जाके छोड़ आते थे, मतलब दे डोंट वॉन्ट द गर्ल्स इन देयर हाउसेस। पहले के टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, राइट। ये था एक स्टीरियोटाइप, इसको बोलते हैं एक स्टीरियोटाइप। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि कहा जाता है कि बॉयज डोंट क्राई, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, राइट। ये एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है जो कि जनरली पहले भी था और आज भी चला आ रहा है। इसके बारे में डिटेल एग्जांपल हमारे चैप्टर में आगे है, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट इस टाइप से ये होते हैं स्टीरियोटाइप्स। आप किसी चीज़ को लेकर के उसके ही उसके ऊपर कई सारी चीज़ें आप बना लेते हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्टीरियोटाइप, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्टीरियोटाइप्स। अब फर्दर एग्जांपल्स हम लोग और देखेंगे, जैसे कि हम लोग जेंडर डिफरेंसेस से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर बने। आपको राइट एग्जांपल देखिए, देखिए यहाँ पे इसमें मेंशन भी है इस चैप्टर में, दैट ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। हम लोग जानते हैं जेंडर डिफरेंसेस से हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, जनरली आपने बहुत सुना होगा इस बारे में। वॉट डज इट मीन टू हैव अ बॉय और गर्ल, अब लड़का हो जाए लड़की, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। बट नहीं, पहले के लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता था, अब तो फिलहाल काफ़ी कम हो गई हैं ये सारी चीज़ें, बट पहले ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। अगर लड़की होती थी तो लोग या तो उसको वहीं पर मार देते थे या उसको कहीं पे जाके छोड़ आते थे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी पहले के टाइम, सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा होती थी, राइट। सो मैनी ऑफ यू वुड से वी आर बॉर्न एज बॉयज़ और गर्ल्स, इट इज़ अ गिवन, वॉट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, लेट्स सी इफ दिस इज़ द केस। जनरली यही चीज़ है कि इसका क्या मतलब होता है, लड़का हो चाहे लड़की, राइट। सिंपली हम लोग इसको आगे अब और डिटेल में देखते हैं एक बार। अब अगर जैसे कि मैंने अभी आपको राइट अवे एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग एक स्टेटमेंट लें, दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं हैं, ये जो लाइन है ये जनरली आज भी प्रैक्टिसेस में कही जाती है। जो बॉयज़ होते हैं मतलब जो पेरेंट्स होते हैं जो उसमें जो बॉयज़ होते हैं वो उनको बोलते हैं पेरेंट्स कि जनरली लड़के नहीं रोते, उनको संभालने के लिए या उनको कंसोल करने के लिए जनरली आज भी चीज़ बोली जाती है कि बॉयज़ नहीं रोते, बॉयज़ बहुत ब्रेव होते हैं इसलिए बॉयज़ नहीं रोते। ये एक स्टीरियोटाइप है, ये एक बहुत एग्जैक्ट एग्जाम्पल है स्टीरियोटाइप का, ठीक है। बॉयज़ नहीं रोते हैं, ये इस तरीके की स्टीरियोटाइप्स लोग बना लेते हैं। तो इसी तरीके की चीज़ें हैं जो वो पहले भी थी और आज भी चलती आ रही हैं। यू विल सी दैट दिस इज़ अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड मेन्स एज बेबीज़ और चिल्ड्रेन। व्हेन बॉयज़ फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई, यू आर अ बॉय, बॉयज़ आर ब्रेव, दे डोंट क्राई, ठीक है। जनरली ये जो क्वालिटी है, जो स्टेटमेंट है कि दे डोंट क्राई, ये लोग रोते नहीं हैं, ये जो स्टेटमेंट है, जो क्वालिटी है, जनरली बॉयज़ और मेन के साथ एसोसिएट होती है क्वालिटी, राइट। जैसे कि जो बेबीज होते हैं या जो बच्चे चिल्ड्रेंस होते हैं, जब वो जो बॉय चिल्ड्रेन होते हैं जब वो अगर गिर जाते हैं या उनके चोट लग जाती है, उनको पेरेंट्स उनसे क्या कहते हैं, पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर उनको कंसोल करने के लिए क्या कहते हैं,
नहीं डोंट क्राई, रो नहीं, आप यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, सो बॉयज आर ब्रेव, दे डोंट क्राई, बॉयज बहुत ब्रेव होते हैं, वो रोते नहीं हैं। तो जैसे जैसे जब बच्चे होते हो बड़े होते जाते हैं तो वो इस बात को बिलीव कर, पहले आप स्टार्टिंग में उनको कंसोल करने के लिए, उनको संभालने के लिए चीज़ें बोलते हैं, राइट, बट जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो ये बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि सही में बॉयज डो नॉट क्राई, एंड इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। मतलब कि अगर किसी कोई लड़का है उसको ऐसा लगता भी है कि नहीं मुझे रोना आ रहा है, या ही क्राई ही फील्स कि मुझे रोना चाहिए, बट वो नहीं, वो उसको वहीं पे अपने आप को रोक लेता है रोने से। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो क्राइंग है वो एक साइन ऑफ वीकनेस है, वीकनेस का एक साइन होता है, मतलब कि आप वीक हो, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो इसलिए आप रो रहे हो। तो ये एक स्टीरियोटाइप है जो कि बना दिया गया है, ठीक है, बॉयज़ के लिए। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वॉन्ट टू क्राई, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री और इन पेन, एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज लर्न और टीच देमसेल्व्स नॉट टू क्राई। जैसे कि कभी कभी होता है कि जनरली आप या बहुत परेशान हो या आप किसी चीज़ से बहुत हर्ट हो तो जनरली आपका रोने का मन करता है, लेकिन नहीं, उसमें बॉयज़ अपने आप को यही समझा लेते हैं कि यू आर नॉट वीक और बॉयज़ डू नॉट क्राई। तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि काफ़ी पहले से चले आ रहे हैं, आज भी ये चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यू होती जा रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टीरियोटाइप, एक किसी बात को अपने आप से बना लेना और फिर उसी को फॉर द होल लाइफ प्रैक्टिस आउट करना, ठीक है। इफ़ अ ग्रोन बॉय क्राइज एंड ही फील्स दैट अदर्स विल टीज हिम और लाफ एट हिम, सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अगर कोई कोई ग्रोन बॉय है वो अगर रोता है तो उसको ऐसा लगता है, अगर दूसरे के सामने रोता है तो उसे ऐसा लगता है कि दूसरे उसको चिढ़ाएंगे या फिर उसके ऊपर हंसेंगे, तो इसलिए वो दूसरों के सामने रोने से अपने आप को स्टॉप करता है, अपने आप को रोकता है। दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज द हाउ गर्ल्स आर, दीज आर स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग एंड वी स्टार्ट बिलीविंग टू ईच वन ऑफ अस मस्ट हैव बिहेव अकॉर्डिंगली, वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इन टू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। अब जैसे कि जो ये जो तरीका है, जो जैसे कि जो स्टेटमेंट्स अभी यहाँ पे कही हैं, इन स्टेटमेंट्स को आप कॉन्स्टेंटली सुनते भी हो, जनरली आपने रियल लाइफ में अपने एक्सपीरियंस भी की होंगी चीज़ें, आप इन स्टेटमेंट्स को कॉन्स्टेंटली सुनते रहते हो और बिना सोचे समझे आप इन स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते हो कि बॉयज डो नॉट क्राई, वो अगर रोएंगे तो ऐसा समझ पाएंगे दैट आर दे आर वीक, राइट, तो वो लोग नहीं रोते हैं, दैट बॉयज डू नॉट क्राई। इन स्टेटमेंट्स को आप बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेते हो और आप इन सारी चीज़ों को अपने आप बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो, राइट, और आप उसी हिसाब से बिहेव करने लग जाते हो, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे कि अगर कोई बॉय है और अगर उसे रोना आ रहा है तो इस डर से नहीं रोता है किसी के भी सामने कि अदर्स भी वो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसके ऊपर हंसेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप खुद ही अपने अंदर लाते हो, ये सारी चीज़ें आप खुद ही इन चीज़ों पर ढलते जाते हो, इन चीज़ों को अपने आप बिहेव करते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब बनाई जाती हैं धीमे धीमे। अब बॉयज़ की और गर्ल्स की अपनी एक इमेज बना दी जाती है सोसाइटी में, क्रिएट कर दी जाती है और उनको उसी में फिट किया जाता है। एक और स्टीरियोटाइप पहले के टाइम पे क्या होता था, ये कहा जाता था गर्ल्स जो हैं वो सिर्फ घर का काम करेंगी, उनको पढ़ाया लिखाया इतना ज़्यादा नहीं जाता था, सिर्फ गर्ल्स जो हैं, लड़कियां घर का काम करने के लिए बनी हैं और लड़के अपना बाहर जाके जो भी मतलब अर्निंग के लिए जो भी चीज़ें करनी होती थी और लाइवलीहुड के लिए जो भी चीज़ें करनी होती तो सारी जाके बाहर बॉयज़ करते थे और लड़कियां घर पर रह के सिर्फ एक काम करती थी। ये क्या था, ये भी एक स्टीरियोटाइप था जो कि आप ही लोगों के थ्रू बनाया गया है, इसे कोई रूल या किसी बुक में नहीं लिखी जाती सारी चीज़ें, ठीक है। ये आप ही लोग खुद इन सारी चीज़ों को, इन स्टीरियोटाइप्स को बनाते हैं, हम ही लोग उनको फॉलो करते हैं, बट अभी फिलहाल ये जो स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां सिर्फ घर पे काम करेंगी या ये सारी चीज़ें धीमे धीमे कम होती जा रही हैं, ठीक है। तो ये अपने आप स्टीरियोटाइप्स जो हैं ये फिनिश भी होते जाते हैं और हम ही लोग इन स्टीरियोटाइप्स को बनाते भी हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम लोग स्टीरियोटाइप्स, जो इन चीज़ों को हम लोग किसी भी पर्सन की एक इमेज को फिट कर देते हैं कि बॉयज़ सिर्फ ये काम करेंगे और गर्ल्स सिर्फ ये काम करेंगी, गर्ल्स घर के अंदर रहेंगी, घर का काम करेंगी और बॉयज़ बाहर जाके अर्निंग के लिए काम करेंगे। तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि पीपल, जो कि हम ही लोग इन सारी चीज़ों को बनाते हैं और खुद ही फॉलो करने लग जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करने लग जाते हैं,
बिना किसी चीजों को सोचे, उसके बारे में ना तो सोचते हैं ना कुछ करते हैं, सिंपली ये जो स्टीरियोटाइप्स बनाए गए हैं उनको हम लोग फॉलो करते 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 चले जाते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। फर्दर ना यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट्स सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड एंड डिस्कस हाउ दीज आर अप्लाइड टू गर्ल्स। अब जनरली हम लोग एक दूसरा स्टेटमेंट और होता है कि लड़कियों के लिए कहा जाता है कि वो बहुत सॉफ्ट और जेंटल होती है, बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं, राइट। दिस इज व्हाट इज डिस्कस्ड रिगार्डिंग द गर्ल्स। और बॉयज के लिए बोला जाता है कि वो लोग मिसबिहेव करते हैं या वो लोग सॉफ्ट एंड जेंटल नहीं होते। तो ये क्या है, फिर ये एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है, क्योंकि सबका अपना अपना खुद का अलग अलग नेचर होता है। अभी हम लोगों ने प्रेजुडाइस में पढ़ा था कि अगर आप किसी के बारे में कोई नेगेटिव थिंकिंग लेकर आप उसके ऊपर उस नेगेटिव थिंकिंग को इम्प्लीमेंट करके उसको हिसाब से जज करने लग जाते हो तो आपने एक नेगेटिविटी बना ली है किसी के थ्रू, राइट। सेम हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम हम लोग ये चीज़ करते हैं जो यहाँ पे स्टीरियोटाइप्स हम लोग ये बना लेते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं बहुत वेल बिहेव्ड होती हैं और बॉयज मिसबिहेव होते हैं, बॉयज जो है बहुत शैतानी करते हैं, गर्ल्स नहीं करती। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप्स हैं जो खुद ही हम ही लोग बनाते हैं और फिर हम ही लोग इनको फॉलो करते हैं, राइट। सो डू गर्ल्स पॉसेस दिस क्वालिटी एट बर्थ और डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स? वॉट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड हु आर नॉट? ऑब्वियसली बात है, एब्सोल्युटली ऐसा तो है नहीं कि हर एक लड़की बहुत सॉफ्ट या जेंटल होती है, शैतान भी होती हैं। सो ऑब्वियसली ये जो स्टीरियोटाइप्स बनाए जाते हैं वो आप बनाते हो, आप उनको फॉलो करते हो और फर्दर किसी एक पॉइंट पे जाके स्टीरियोटाइप्स अपने आप फिनिश हो जाते हैं, देन न्यू बन जाते हैं, ठीक है। वी फिक्स पीपल इन टू वन इमेज दैट वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। हम लोगों को किसी एक इमेज में फिक्स कर देते हैं और जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटाइप। एक इमेज आपने किसी पर्सन के लिए बना ली और उसी इमेज में आपने उसको फिट कर दिया और उसको आप बोल दोगे स्टीरियोटाइप, ठीक है। वेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, जेंडर, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। अब हाँ, ये भी एक और तरीके के स्टीरियोटाइप्स लोग बना लेते हैं कि अगर आप किसी इस पर्टिकुलर कंट्री या इस रीजन को, रिलीजन या इस जेंडर को या इस इकोनॉमिक बैकग्राउंड को आप एक्चुअली बिलोंग करते हो तो आप बहुत लेजी होगे या आप क्रिमिनल होगे या आप बिल्कुल मतलब बिल्कुल डम हो गए। तो ये सारी चीज़ें भी क्या अपने आप स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं लोग, राइट। कि अगर आप इस रिस्पेक्टिव कंट्री को बिलोंग कर रहे हो तो आप ऐसे होगे, आप उस पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग कर रहे हो तो आप वैसे होगे। तो ये भी लोग अपने आप ही इस थिंकिंग को बनाते हैं फिर अपने आप इस थिंकिंग को फॉलो करते हैं, राइट। ये भी जो चीज़ें होती है एग्जाम्पल्स है, दीज आर ऑल्सो कम अंडर द स्टीरियोटाइप्स। देयर आर स्टिंगी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर। अब मान लीजिए आपने ये कोई एक स्टीरियोटाइप बनाया कि इस पर्टिकुलर कंट्री के लोग जो हैं बहुत लेजी हैं, ठीक है, या इस पर्टिकुलर कंट्री के जो लोग हैं वो क्रिमिनल है। बट ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी कंट्री के जितने पीपल हैं वो क्रिमिनल होंगे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पीपल जो हैं वो स्टिंगी होंगे, कुछ वहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं, जेनरस पीपल भी होते हैं। बट ये अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लेते हैं कि इस कंट्री के लोग ऐसे हैं या इस रिलीजन के लोग ऐसे हैं। सो उसको हम लोग उस स्टीरियोटाइप को हम लोग हर जगह इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, उसी तरीके से हम उस पूरी कंट्री या उस पूरे रिलीजन के लोगों को देखते रहते हैं। उसमें हर एक रिलीजन में अच्छे भी होते हैं, हर एक रिलीजन में बुरे लोग भी होते हैं, बट हम लोग जो नेगेटिव चीज़ है उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होकर हम उसको अपने लिए एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं और रिस्पेक्टिवली उस स्टीरियोटाइप से हम लोग उस पूरे के पूरे रिलीजन के लोगों को या उस पूरी कंट्री के लोगों को जज करने लग जाते हैं, ठीक है। सो इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर, मेल और फीमेल, एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी द सेम। वही मैंने अभी आपको बोला कि जनरली अगर किसी एक कंट्री, किसी एक रिलीजन के कुछ लोग अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे उस कंट्री या सारे के सारे उस रिस्पेक्टिव रिलीजन के लोग अच्छे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की वजह से, सिर्फ कुछ पीपल की वजह से हम लोग एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि एक एक इमेज उस टाइप की रिलीजन या उस कंट्री के लिए एक इमेज अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं कि इस कंट्री के लोग अच्छे नहीं हैं। बट वो हम लोग सिर्फ कुछ पीपल को देख के उस इमेज को अपने माइंड में फिट करते हैं, बट उन कुछ पीपल की वजह से उस पूरी कंट्री या उस पूरे रिलीजन के लिए हम लोग इस चीज़ को अपने माइंड में फिट कर लेते हैं, इस स्टीरियोटाइप को बना लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये फेयर नहीं है, ये सही नहीं है एक्चुअली,
बिकॉज एवरी वन इज नॉट द सेम, सब सेम नहीं होते, ठीक है. सो स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विथ हिज और ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर. अब स्टीरियोटाइप का मेन डिसएडवांटेज क्या, अभी तक तो स्टीरियोटाइप्स क्या है, सब चीज़ें हम लोगों ने समझी, किस तरीके से लोग इंप्लीमेंट करते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी, किस तरीके से लोग कोई स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, ये समझा. अब इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या है, अगर कोई जैसे कि आप एग्जांपल लो, यहाँ पे ग्रुप ऑफ 20 पीपल हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 पीपल हैं, यहाँ पे 20 पीपल्स में से लेट्स से आपको फोर लोग, आप चार लोगों को मिले, ठीक है, उन चारों का आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट चला गया, तो अब आपने अपने मन में क्या इमेज बना ली, आपने अपने मन में ये इमेज बना ली कि जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप अच्छा नहीं है, पूरा 20 पीपल का जो ग्रुप है वो अच्छा नहीं है. फर्स्ट फोर पीपल के आपके ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव इमेज बनी, तो उसी की डिपेंडेंसी से, उसी को एक कंसिडरेशन लेके आपने पूरे 20 पीपल के ग्रुप को एक ये बना लिया कि पूरा 20 पीपल का जो ग्रुप है ये अच्छा नहीं है. तो आपने क्या अपने दिमाग में एक इमेज बना ली, आपने अपने दिमाग में एक स्टीरियोटाइप बना लिया उस ग्रुप के बारे में. अब उसमें आपका लॉस क्या हुआ, लॉस ये हुआ कि जब हम लोग स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं तो हर एक पर्सन में कोई ना कोई एक यूनिक चीज़ होती है, ठीक है, हर एक पर्सन में कोई ना कोई एक यूनिक चीज़ होती है. तो हमने जब स्टीरियोटाइप बना लिया किसी पर्सन के लिए या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, तो उनमें जो यूनिक चीज़ है उसको हम लोग कभी भी, उन स्पेशल क्वालिटीज़ या उन स्किल्स को हम लोग कभी भी नहीं देख पाते, बिकॉज नेगेटिव इज ऑलवेज पावरफुल दैन द पॉजिटिव, ठीक है. तो अगर आपने किसी के लिए कोई रिस्पेक्टिव स्टीरियोटाइप या कोई नेगेटिव इमेज आपके मन में चली गई, अब उस पर्सन की क्या यूनिक चीज़ है, या वो जो पर्सन है उसकी क्या स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, क्या डिफरेंट स्किल्स हैं, उसको आप कभी भी नहीं देख पाओगे. सो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्टीरियोटाइप बनाने का, ठीक है. किसी पर्सन के लिए जो आप नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इमेज अपने मन में बनाते हो, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं जिन पे आप लॉस पे जाते हो, बिकॉज ईच एंड एवरी पीपल इज़ अ यूनिक इंडिविजुअल. सबकी अपनी अलग अलग खुद की क्वालिटीज़ होती हैं, सबकी अपने अलग खुद की स्किल्स होती है, जो कि एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंशिएट करती हैं. दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप. जैसे मैंने अभी बताया, आप 20 पीपल हैं जो एक ग्रुप में, आपने सबके लिए एक सेम इमेज बना ली, बट रादर दैन हर एक पीपल में हर एक डिफरेंट क्वालिटी, हर एक डिफरेंट कोई ना कोई स्किल सेट होगा, लेकिन नहीं, जितना भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल थे, आपने सारे पीपल, सारे जितने भी लोग थे, सबके बारे में आपने एक इमेज, एक पैटर्न अपने मन में बना लिया, एक स्टीरियोटाइप बना लिया. अब स्टीरियोटाइप्स इफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट. कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं. अच्छा, एक स्टीरियोटाइप और था, अभी मुझे याद आया कि जनरली पहले क्या होता था, जो शेफ वगैरह होते थे, तो उसमें बोला जाता था कि लड़कियां जो हैं, लड़कियां सिर्फ खाना बनाने के लिए होती हैं और लड़के वो काम नहीं करते हैं, राइट. पहले इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चलता था. अब जैसे कि मान लीजिए आपकी हॉबी है, आप बहुत अच्छे हो कुकिंग वगैरह में, राइट, बट अब आप उसको परस्यू नहीं कर सकते, आप उसमें आगे नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि आप जो हो, जो लड़कियां हैं सिर्फ वही कुकिंग करती हैं, लड़के जो हैं वो बाहर जाके घर की अर्निंग के लिए ये सारे काम करते हैं, राइट. तो ये एक स्टीरियोटाइप बना है. भले ही आपकी हॉबी है कुकिंग, आप उसमें बहुत अच्छे हो, कोई लड़का है उसे बहुत अच्छा है उसकी हॉबी, बट आप उसको परस्यू नहीं कर सकते हो. तो जैसा कि यहाँ लिखा है, स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स. स्टीरियोटाइप हम लोग को बहुत सारी चीज़ों में इफेक्ट करते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप नहीं कर सकते. आप चाहते हुए भी आप उन सारी चीज़ों में अच्छे हो, लेकिन तब भी आप उन चीज़ों को नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑफ द स्टीरियोटाइप्स विच आर एक्चुअली मेड आउट, राइट. तो ये डिसएडवांटेजेस हैं स्टीरियोटाइप्स के, ये डिसएडवांटेजेस हैं जो कि परस्यू होते हैं स्टीरियोटाइप्स के. ये जो आप मन में कोई भी चीज़ रख लेते हो या किसी भी नेगेटिव थॉट के थ्रू आप उसको परस्यू करते हो, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं डिफरेंट चीज़ों के. अब जैसे कि यहाँ पे वन सेकेंड,
फर्दर एक सेकेंड यहाँ पे राइट अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था यहाँ पे एक दैट वेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू पर्टिकुलर कंट्री रिलीजन जेंडर या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी लेजी क्रिमिनल और डम दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स राइट तो इसको स्टीरियोटाइप्स यूज करें अभी हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ा था प्रेजुडाइज में कि वहाँ पे जो टिक द टिक करने का ऑप्शन था वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी कि जो विलेजर्स होते हैं विलेजर्स थिंक कि जो सिटीज़ के लोग होते हैं वो बहुत लेजी होते हैं और मनी माइंडेड होते हैं अब ये क्या है कि स्टीरियोटाइप है ना जो बना लिया गया है अपने आप आपने लोगों के लिए अपने माइंड में एक इमेज फिट कर ली है राइट आपने एक स्टीरियोटाइप बना लिया एक इमेज फिट कर ली है कि सिटीज़ के जो लोग होते हैं वो बहुत मनी माइंडेड होते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं मैं आपको लाइन दिखाती हूँ डिस्कस भी किया था एक्चुअली इस चीज़ को फर्दर यहाँ पे ठीक है Some of these statements that villagers are ignorant and people in the city are money-minded lazy. अब ये क्या है आपने शायद से कुछ cities के people को analyze करके आपने पूरी city के जितने लोग हैं सबके मन सबके हिसाब से अपने mind में एक stereotype, एक image create कर ली एक negative image create कर ली कि people of the cities are money-minded and lazy. Right? And that is gonna impact about. So, prejudice स्टीरियोटाइप्स ये टर्म्स एक्चुअली थोड़े बहुत एक दूसरे से मिले हुए हैं ठीक है अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और है यहाँ पे डिस्कशन के लिए वन सेकेंड हाँ ओके द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशंस हियर वर सीन एज डिसेबल्ड ठीक है अब यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने पीपल को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो इमेजेस में हैं ठीक है इन पीपल को पहले हम लोग क्या बोलते थे हम लोग डिसेबल्ड बोलते थे राइट पर्सन जो कि इफ अ पर्सन कैन नॉट वॉक तो हम लोग उसको डिसेबल्ड बोलते थे इफ अ पर्सन कैन नॉट हियर तो हम लोग उसको डिसेबल्ड बोलते थे इफ अ पीपल कैन नॉट लिसन इफ अ पर्सन कैन नॉट लिसन हम लोग उसको डिसेबल्ड बोलते थे बट डिसेबल्ड जो टर्म है ये टर्म एक्चुअली अब चेंज कर दिया गया है और अब हम लोग इस टर्म को चेंज करके क्या बोलते हैं हम लोग वी से That now the term uses children with special needs. Disabled से इस term को particular change कर लिया गया है children with special needs. Common stereotypes about them are given in large letters. Their own feelings and thoughts too are given. ठीक है यहाँ पे जो stereotypes लोग बनाते हैं लोगों के बारे में उनको यहाँ पे लिखा गया है People say all sorts of things. At some I feel I so sad and sore folks make fun it's nothing new if you were I would you do right लोग इनके बारे में भी stereotypes बना लेते हैं जो लोग disabled होते हैं उनके बारे में भी कई तरीके के अलग अलग stereotypes बनाते हैं right अब मान लीजिए कोई person है जो कि चल नहीं सकता है right so you look so different so different अब generally लोग ये सारी चीज़ें जो disabled जो differently abled people होते हैं उनको ये सारी चीज़ें बोलते हैं ठीक है माई लेग्स आर जस्ट बिकॉज माई लग्स आर वॉबली पीपल थिंक माई माइंड इज वॉबली टू अब जनरली ये चीज़ और होता है एक यहाँ पे जैसे कि इमेज डिस्क्राइब कर रही है कि अगर कोई पर्सन जैसे कोई पर्सन है जिसके लेग्स नहीं ठीक हैं ठीक है जिसके लेग्स नहीं ठीक हैं तो उसके लिए लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए उस पर्सन के लेग्स नहीं ठीक हैं तो उसका माइंड भी नहीं ठीक होगा ये स्टीरियोटाइप्स बनाए गए हैं जो कि आपने इमेज अपने मन में बना रखी है सो दैट इज द रीजन कि डिसेबल से जो वर्ड है ना उसको चेंज करके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कर दिया गया इस चीज़ को ये ध्यान रखिएगा और फर्दर अगर आप कभी भी कोई एग्जांपल दे रहे हो इस रिस्पेक्टिव में तो डिसेबल की जगह चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को यूज करिएगा बिकॉज ये नया टर्म है जो कि यहाँ पे बनाया गया है लोगों के लिए जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है उन रिस्पेक्टिव पीपल के लिए ग्रेट ठीक है सो हम लोगों ने आज यहाँ पर स्टीरियोटाइप्स के बारे में ही कंप्लीट डिस्कस किया क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स कि लोग स्टीरियोटाइप्स कैसे कैसे अपने मन में खुद बना लेते हैं और फिर उसको सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट करते हैं फर्दर उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं सबसे बड़ा डिसएडवांटेज स्टीरियोटाइप्स बनाने का आपके लिए क्या हो सकता है ठीक है इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को ठीक है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ चलते हैं थैंक यू एंड टेक केयर जय हिंद